নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ। নিউজ এইটিনৰ গ্ৰুপ এডিটৰ ইন চিফ ৰাহুল যোশীৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। সাক্ষাৎকাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰকাশ কৰে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। বিভিন্ন বিষয়ত মোদীয়ে মুকলিকৈ ব্যক্ত কৰে নিজৰ মত। নীতিদীৰ্ঘ সাক্ষাৎকাৰত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰক কঠোৰ সমালোচনা মোদীৰ। কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত আছে মুছলিম লীগৰ ছাপ। সাক্ষাৎকাৰত এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। সাক্ষাৎকাৰত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰক লৈ আৰু কি কি কলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আগবঢ়াইছো বিশেষ প্ৰতিবেদন। আপনি যে ৰাজস্থান মে এক ৰেলী মে এক কংগ্ৰেছ পৰ কংগ্ৰেছ কে মেনিফেষ্টো পৰ এক ডাইৰেক্ট এটাক কিয়া। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करें। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करें। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतना ही गुड़ी 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 उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिलीभगत लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी। आप देखिए साहब, अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी, इनहेरिटेंस टैक्स, तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूं, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उनके आज तक का इतिहास है वो करेंगे क्या? तो फिर मेरी जिम्मेवारी, इट्स अ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप तय कीजिए, जाना ना जाना जनता जनार्दन का हक है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि तथ्य व आधार पर, तर्क के आधार पर, उनकी हकीकतों के आधार पर मुझे बताना चाहिए, वो मैं बता रहा हूं। 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेस पर है, ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे, और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा। बताइए, आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए, 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं। 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है। यानी 90 के पहले का उनका दशक है। फिर उनको जितनी भी कमीशन बने, जितनी कमेटियां बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स ओबीसी के विचार के पक्ष में आने लगे। अब उनके सिफारिशों को भी वो नकारते रहे, रिजेक्ट करते रहे, दबाते रहे। 90 के दशक में उनको लगा कि भाई अब इसको जरा उनकी वोट बैंक की राजनीति के अनुसार उसको टन दिया जाए। उन्होंने पहला पाप किया,
90s के दशक में कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया, यानी देश के ओबीसी को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीति खातर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर देना। केंद्र से कांग्रेस गई, 2004 तक ये प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ। 2004 में वो फिर आए तो आते ही आंध्र में मुस्लिम को ओबीसी कोटा ये देना तय कर लिया, मामला कोर्ट में जाके उलझ गया। अब ओबीसी के 27% जो आरक्षण मिला हुआ है, भारत की संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है, 27% शहद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की। 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी एनडीसी की, मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया, 2 साल कांग्रेस पूरी चुप रही, 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया, 2011 में कैबिनेट नोट है इसका, 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कानूनी जजमेंट आ गया, एससी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई आरएसएस वाले बीजेपी वाले संविधान सभा में नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग बैठे थे, पंडित नेहरू जैसे बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई बैठे थे, देश के कई महापुरुष बैठे थे, उन सब ने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, यानी मुस्लिम लीग ही नीतियां उन्होंने अपना शुरू किया। अब ये जो उन्होंने स्थितियां बनाई है, मुझे बताइए कि देश के लोगों को ये जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करते हैं, एससी एसटी के आरक्षण पर भी खतरा तलवार लटका देते हैं, ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे, क्या मुझे देश की जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं, जो कलम के धनी हैं, जो निष्पक्ष हैं, उनका ये दायित्व बनता है कि ऐसे समय देश को वो एजुकेट करें, सही चीजें बताएं।